नमस्कार, मैं नीतू। आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया और आइए आज के तमाम बड़ी खबरों पर एक बार नजर डालते हैं। जौनपुर के जलालपुर के मछली शहर अंतर्गत चौरी बाजार में सभी दुकानदारों, ग्राहकों, राहगीरों से 2019 के लोकसभा चुनाव की प्रक्रिया के बारे में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया, जहाँ लोगो ने चुनाव और किसकी बनेगी सरकार पर किया चर्चा। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। का चौरी मार्केट है, बहुत भव्य मार्केट, पुराना मार्केट, जलालपुर विकास खंड तहसील के राकत का एरिया है और आज का ये 2019 का लोकसभा चुनाव चल रहा है। तो आइए देखें, यहाँ कुछ लोग बैठे हुए हैं, कोई व्यापारी है, कोई ग्राहक है, सबसे मिलते हैं कि इस लोकसभा। राम जन्म जी, ये बताइए कि आप यहीं के निवासी हैं, चवरी बाजार के? अच्छा, दुकानदार हैं। तो इस समय 2019 के लोकसभा में क्या चल रहा है जनता जनार्दन का मूड? भाई, जनता जनार्दन का मूड तो चल रहा है। कौन जीतने की उम्मीद है? सपा बसपा गठबंधन। गठबंधन में जीतने की उम्मीद है। कौन खड़ा है इस समय लोकसभा प्रत्याशी में? त्रिभुवन जी, धन्यवाद। आपका परिचय सर? लालोड़ी शर्मा। हाँ शर्मा जी, बताइए कि क्या उम्मीद है, कौन जीतेगा इस बार लोकसभा 2019 में? अच्छा, देश में और क्या क्या कमियाँ पूरी हो जाए? जो कमी है सरकार को लगता है तो कमी पूरा कर सकते हैं। शौचालय बन गया आपका? नहीं बना। आवास? राशन कार्ड बन गया। और कुछ चाहेंगे? आप गांव में रहते हैं तो कम से कम बताएंगे कि हाँ कुछ गवर्नमेंट और क्या करे, आपके गांव में क्या कमियां हैं? तो कमी को कुछ नज़र नहीं आ रही। ठीक है, धन्यवाद। आपका परिचय महोदय? अच्छा, ये बताइए कि अब की बार किसकी सरकार की उम्मीद है? मोदी जी। अच्छा, बताइए कि मोदी जी ही क्यों? हम उनको लाइक करते हैं, बाकी और कौन है जाएंगे जी। तो लाइक करने का कुछ एक ऐसा बताइए, एक दो एक चीज़ें उनकी विशेषता जो देश के लिए अच्छी लगी हो। जम्मू की लड़ाई है उसी की वजह से, जो पुलवामा के दुश्मनों का अटैक करके वो सर्जिकल स्ट्राइक देश के लिए काम कर रहे हैं। बहुत धन्यवाद। आपका परिचय सर? लाल धारी। अच्छा सर, इस समय क्या चल रहा है देश का माहौल, किसकी सरकार होनी चाहिए इस समय? तो देखिए, अब जनता है जी, जैसा लोगों का मूड हो, लेकिन गठबंधन पर ज़्यादा लोगों का ध्यान है। अच्छा, धन्यवाद। और बच्चों, क्या नाम है? अच्छा, किसका सरकार बनने की उम्मीद आपको? मोदी सरकार। मोदी सरकार ने क्या क्या किया, कुछ काम गिनाएंगे देश के लिए? सर देखिए, मोदी सरकार ने विकास के पक्ष में बहुत ज़्यादा मतलब प्रोजेक्ट जी, और देखिए रोड बना दिए, फिर शौचालय और तमाम प्रकार की प्रक्रिया की उन्होंने जी, और इनके जैसा मतलब कोई कर नहीं सकता, जितना इनके शासनकाल में हो गया जी, इतना और किसी शासनकाल में हो नहीं पाएगा। बहुत धन्यवाद। देखिए, अभी सभी लोगों ने बताया अपनी अपनी बातें, कोई गठबंधन, कोई मोदी सरकार, और अभी कोई मिला जुला करके अब लोकसभा का ये नतीजा ही बताएगा इलेक्शन का कि किसकी सरकार। पंजाब के जिला फिरोजपुर तहसील जीरा में शिक्षा अफसर नैक सिंह जी के साथ की गई मुलाकात, जिसमें सरकारी स्कूल सुनेर में जो समस्या थी उसको दूर किया गया और स्कूल के दाखिला के संबंध में और किताबों में हो रही लूट के बारे में जिला शिक्षा अफसर से की गई बातचीत। पंजाब से हमारे संवाददाता गुरुलाल सिंह बरोला की रिपोर्ट। अफसर अज जीरे पहुंचे आ, उन्होंने असं गलबात करा एजुकेशन बारे। सर, एक सुनेर पिंड कोई स्कूल जरा पुरानी बिल्डिंग उतो लैके दूसरे पास जा रहा है, वो पिंड तो बड़ा विवाद आ जी, उस बारे कुछ की कहो जी? विवाद कोई नहीं है, कुछ गलत फहमिया होंगे, वो उठे अब मैं गया सीगा ते वो जिन्ना लोगों ने गलत फहमिया से उन्हें दूर करती है, कोई प्रॉब्लम नहीं। गलत फहमिया बाकी की है, ये कदे भी इतने स्कूल जो चल रहा लगभग कुछ 15 साल तो क्लास इतने स्कूल चल रहा, पर जी वो बिल्डिंग है वो करोड़ों की बिल्डिंग है, सरकार ने उसे पैसा लाया वा, तो वो जी बिल्डिंग दूसरे पास जा रही है जी, उसे पहले प्राइमरी स्कूल चल रहा, आंगनबाड़ी सेंटर चल रहा वा, पर इधर जी बिल्डिंग आवाम हो जूगी जी, वो क्यों जी नवी बिल्डिंग है जी, लगभग साढ़े को जरा हाई स्कूल पा के कुल 25 कमरे है, जिदे चो प्राइमरी स्कूल सिर्फ 6
छे सत कमरे की लोड़ है, बाकी सारे 17-18 कमरे जो हाई स्कूल वास्ते उपलब्ध ने, यह सारे के सारे कमरे बाबा जी ने पहले बना के दिते हुए हैं। तो कोई वो समस्या नहीं, उन्होंने ये सू विश्वास रहा कि जो भी ये वास्ते होर चाहिए होएगा अभी सारा कुछ सारिया घटा पूरिया करके देवे, पर यह जो स्कूल है ये फिरोजपुर का नंबर वन स्कूल बनना चाहिए है। तो ये जी परमिशन भी सू 2009 च मिल चुकी थी शिफ्ट करने की, वो तहत ही शिफ्ट किया गया। हां जी, ये 2009 की परमिशन है साडे कोले सैकटरी साहब की, पर उदो कुछ कारण करके शिफ्ट नहीं हो सकया, पर दोबारा सानू SMC जिहड़ी स्कूल दी हैगी है उन्होंने पता पा के दिता कि जिहड़ा ये स्कूल है पुराना इहदे नेड़े छप्पड़ है, गर्मियां नू मच्छर आउंदा है ते गर्मियां जिहड़ा पानी भी स्कूल दे विच कई वारी आ जांदा हैगा। असि मौके से जाके देखा कि स्कूल के कमरे के जरा बिल्कुल नाल पानी जरा टच कर रहा है, तो सानू उन्होंने ये गल भी ठीक लगी है। दूसरा उत्ते शमशान घाट नेड़े है, तीसरा उत्ते गुरुद्वारा साहब है बिल्कुल नाल, तो जो कि गुरुद्वारे प्रोग्राम होंगे तो वो डिस्टर्बेंस भी बहुत होती है। तो एक पंचायत ने मता पाया, एक SMC ने मता पाया, तो तीसरा साढ़े को पंजाब सरकार की लैटर है जिसे मुताबिक शिफ्ट की। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਟਰਨ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦਿਓ ਅਸੀਂ ਤੁਰੰਤ ਉਹ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪ ਪਿੱਛੇ 2-3 ਸਕੂਲਾਂ ਗਿਆ ਵੀ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਕੋਈ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕੂਲਾਂ ਕੋਲ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਨੋਰਮ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲਓ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਨੈਕਸਟ ਹੋਏਗਾ। ਬਰੋਬਰ ਸਭ ਕੁਛ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਖਿਆਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਆਇਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈ ਸਾਰਾ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਬੇਸਡ ਆ, ਬੱਚਾ ਜੋ ਵੀ ਸਿੱਖਦਾ ਉਹ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਜਿਹੜਾ ਚਾਰਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਚਾਰਟ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਅਧਿਆਪਕ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਧੀਆ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਦਾ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਕੋਈ ਦਾਖਲਾ ਫੀਸਾ, ਪਰ ਸਕੂਲ ਦੇਰ ਲੈ ਰਹੇ ਹੈ ਜੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਰੀਐਡਮਿਸ਼ਨ ਫੀਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਬੱਚਾ ਮੰਨ ਲਓ ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ, ਦੂਸਰੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਦਾਖਲ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਕੂਲ, ਜੇਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆਓ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਫੰਡ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਕੂਲ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਬਿਜਲੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ, ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੀਚਰ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਕੀ ਸਵੀਪਰ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਐਕਸਟਰਾ ਜਿਹੜੇ ਖਰਚੇ ਡੇਲੀ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਫੰਡ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਫੰਡ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਅਸੀਂ 8% ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੇ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ ਕਰਦੇ। ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਿਸ਼ਨ ਚਲਾਇਆ ਉਸਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਗਰ ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਉੱਚੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਚਲਾਓ। ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੁਨੇਹਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਲਾਲ ਸਿੰਘ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਖਬਰੋਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਐਸੇ ਹੀ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਆਪ ਬਣੇ ਰਹੀਏ ਫਾਸਟ ਨਿਊਜ਼ ਇੰਡੀਆ ਕੇ ਸਾਥ। ਧੰਨਵਾਦ।